आगळ वात करीशुं महाराष्ट्रनी प्रधानमंत्रीनी भेट अंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ विकास कार्यों की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर एरपोर्ट पहुंचा था, जहां सौथी पहला नागपुर रेलवे स्टेशन थी वंदे भारत ट्रेन ने लीली झंडी अटावी। आ देश की छठी वंदे भारत ट्रेन है। आ ट्रेन नागपुर थी रायपुर वच्चे दौड़े, जे बाद पीएम मोदी नागपुर में मेट्रो सेवा की शुरुआत करी। मेट्रो स्टेशन उद्घाटन बाद प्रधानमंत्री मोदी विद्यार्थियों साथ मेट्रो में मुसाफरी करी। विद्यार्थियों पीएम मोदी साथ बातचीत करी थी। मेट्रो स्टेशन उद्घाटन पछी पीएम मोदी नागपुर में 520 किलोमीटर लांबो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग प्रथम तबक्का उद्घाटन कर्यु। अहीं ढोल वगाड़ी पीएमए नु स्वागत करायु, ज्यां पीएम मोदी ढोल वगाड्यु। नागपुर में पीएम मोदी एम्स होस्पिटल उद्घाटन कर्यु। नागपुर में एम्स होस्पिटल उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करोड़ों विकास कार्यों की भेट नागपुर सहित महाराष्ट्र ने आपी छे। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में विविध विकास कार्यों की शुरुआत करावी हती। नासिक ढोल थी स्वागत करवामां आव्युं। ते दरमियान तेओए पण नासिक ढोल वगाड्यो हतो। प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन ने बतावी लीली झंडी छठी। वंदे भारत ट्रेन नागपुर थी रायपुर वच्चे दौड़े। वंदे भारत ट्रेन शुरू थता लोकोमां आनेरी खुशी नो माहौल छे। लोकोए प्रधानमंत्री मोदी नो आभार पण व्यक्त कर्यो छे। एक तो सबसे पहले आप जब ट्रेन में एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो बैठने का जो सीट है यहाँ पर, एक सीट पहली बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपको वह जो विंडोज़ हैं, जो स्पीड हैं, जो एक एक हर एक में पेंट्री कार है, हर एक में मिनी पेंट्री है, हर एक में शौचालय है दिव्यांगों के लिए, जो देख रहे हैं ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है, ये सब जो व्यवस्थाएँ यहाँ पर, जो लाइट्स लगे हुए हैं, सारे जो लाइट्स आपको देख रहे हैं ये एरोप्लेन वाले लाइट लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये समझ लें कि आप ज़मीन पर एरोप्लेन से चल रहे हैं, आप ही समझ लें। और जो फैसिलिटी हमारी है वो A1 की फैसिलिटी है, जो कि मेट्रो सिटी में अभी तक चल रही थी, लेकिन ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ के लिए भी चल रही है। ये सबसे हमारे लिए गौरव की बात है। अभी तक जो भी ट्रेन चल रही थी वो मेट्रो को मेट्रो से जोड़ रही थी, लेकिन ये पहली है जो कि हमारे शहरों को जोड़ रही है, हमारे छोटे शहरों को भी जोड़ रही है। यह हमारे लिए सबसे गौरव की बात है। मैं साकेत रंजन, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर। हम लोग बहुत खुश हैं इस ट्रेन को देख के। इसकी जो कोचेज है वो इतने लग्जूरियस हैं और इसकी जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति आवर को भी टच करती है। दैट इज़ रियली मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड थिंग हम बोल सकते हैं। जल्दी ही हम और भी कंट्री की प्रोग्रेस को मतलब क्रॉस कर देंगे। वी आर वेरी एक्साइटेड। सुविधा ये है कि आपको सीट्स जो है वो बहुत कंफर्टेबल हैं, एसी है। टाइम जो टेकन है वो टाइम कम ले रही है। जैसे नॉर्मली अदर जो ट्रेन है, अगर आपको नागपुर से बिलासपुर जाना है तो अदर जो ट्रेन है वो 7 घंटे टाइम लेती है। ये जो है 5 hours 30 minutes में आपको पहुँचा देगी, जो कि आपका टाइम को भी सेव करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग थिंग हो सकती है ये भी। ये ट्रेन हमें लग्जूरियस फील देती है। ऐसा लग रहा है जैसे हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत कंफर्टेबल बनाया गया है इसको। सिटिंग बहुत ईज है, कंफर्टेबल है। बेबीज़ को लेकर अगर सिंगल वुमेन भी ट्रैवल कर रही है तो इट इज़ वेरी सेफ एंड लग्जूरियस। बाथरूम से लेके सिटिंग से लेके फ्लोरिंग, मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस एंड फुट रेस्ट बहुत अच्छा बनाया गया है ट्रेन को। इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर एवरीवन टू ट्रैवल। टाइम की तो बहुत कमी है, तो ये जो ट्रेन्स में हमको रेगुलरली जाना है 6 hours 5 hours लग रहे थे, ये ट्रेन की स्पीड अराउंड 130 है, तो ये हमें 4 hours में दुर्ग रायपुर यहाँ तक पहुँचा देती है। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो गया है सबके लिए, ट्रैवलिंग के लिए। छठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर से बिलासपुर के लिए समर्पित की गई है। इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हिसाब से प्रगति हो रही है देश की, उसके साथ युवा, देश का युवा बहुत खुश है।